हमें बेवकूफ समझकर माफ कर दीजिए। झूठे हैं आप। नहीं, अगर आपको सच में हमारी कदर होती तो ऐसा बर्ताव नहीं करते हमारे साथ। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप हमें अपने पैरों तले कुचल दीजिए, लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे। माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई हमसे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आपकी परछाई को भी हम पहचान जाएंगे, उस पर भी कभी शक नहीं करेंगे, पर एक मौका तो देकर देखिए। मौका ही तो देने आए थे, पर जब तक ये दोनों यहाँ हैं तब तक बात कैसे बनेगी। हमारा मतलब है कि तब तक हम आपसे वो बात कैसे कर पाएंगे जो हम अकेले में करना चाहते थे। अकेले में? वल्ला अभी भगाते हैं इन्हें। ना मुरादो, इससे पहले कि हम वैसे खूंखार बनकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दें, दफा हो जाओ यहां से। राजकुमारी जी, कहिए ना, क्या कहना चाहती थी आप अकेले में? हमारा दिल जो है थुक थुक धड़क रहा है, इससे पहले कि हमारा दिल हमसे बगावत कर बैठे। वल्ला, आंसू? ये क्या है राजकुमारी जी, आप रोइए, हमारा दिल दुखता है। आप कृपया कर इन आंसुओं को जाया मत कीजिए, ये बेशकीमती हैं। इन आंसुओं से पहले हम मर क्यों नहीं। मरे आपके दुश्मन, ये तो खुशी के आंसू है क्रूर सिंह जी। हमें तो आज पता चला कि हम ही ना समझते, जो इतना भी नहीं जानते थे कि आप तो सिर्फ हमारा और हमारे राज्य का भला चाहते हैं। वो तो अच्छा हुआ माँ ने हमें बताया कि आपने किस तरह अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई नौगढ़ वालों से। वल्ला, नाजिम तू है तो ना मुराद, लेकिन ये काम तूने बढ़िया किया। तेरी तो शादी चपला से पक्की समझ। लीजिए, हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं और आप ख्यालों में खोए हुए। राजकुमारी जी, हम तो नहीं, राजकुमारी जी, हम तो आप मतलब आप ही की बातों में खोए हुए थे। बात कहें राजकुमारी जी, जन्नत है आपके कदमों में। जी तो करता है हमारा इन कदमों में ही अपना जीवन बिताते हैं। कदमों में नहीं, हमारे पास, हमारे बराबर यहाँ बैठी क्रूर सिंह जी, आइए। खुशी के मारे कहीं हम मर ही ना जाएं राजकुमारी जी। बोलिए ना, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? हमारी तो बस अब एक ही हसरत, एक ही तमन्ना है। बोलिए ना, हम आपकी सारी तमन्नाएं पूरी कर देंगे। हम ये सोच रहे थे कि
अपनी माँ पर हमला करने वाले और हम पर झूठा इल्जाम लगाने वाले नौगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह से बदला ले सकते हैं। आप चिंता क्यों करती हैं? हम है ना आपके सुरक्षा प्रभारी क्रूर सिंह। हम बदला लेंगे, हम लेंगे आपका बदला उस वीरेंद्र सिंह से। उसे हम मौत के घाट उतारेंगे। आप चिंता मत कीजिए। कैसे? ऐसा जाल बिछाया है हमने उस कमबख्त के लिए कि बच नहीं सकेगा वो। हाँ राजकुमारी जी, उसकी मौत का ऐसा जाल सजाया है हमने कि इस बार अपनी मौत को चकमा नहीं दे पाएगा वो कमबख्त। कैसा है बादल? बहुत सही वक्त पे छलांग लगाई तूने। हम दोनों की जान बचाई है। वैसे हो ना हो ये बारूद का खेल उस क्रूर सिंह ने खेला है। उसे तो मैं देख ही लूंगा। उससे पहले तुम्हें देखते हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये क्या है? तो यहां चोट आई है। कोई बात नहीं बादल, मिट्टी लगा देता हूं, सही हो जाएगा। ये देखो बादल, हम पर नजर रखने के लिए उन गधों ने इन खिलौनों का इस्तेमाल किया है। लगता है क्रूर सिंह की खिलौनों से खेलने की उम्र गई नहीं। एक काम कर बादल, तू यहीं रुक। उस क्रूर सिंह को हम मिलकर आते हैं। ध्यान रख अपना। सिंह जी को बुलाओ जल्दी। मर गया क्या? वीरेंद्र सिंह जिंदा है। पर क्रूर सिंह जी, दुश्मन बड़ा शातिर है, कहीं उसने आपके इस जाल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया तो? नामुमकिन राजकुमारी जी, इस बार ऐसा जाल बिछाया है उस कमबख्त के लिए कि वो समझ भी नहीं पाएगा। उसके घोड़े की नाल की जगह हमने चुंबकीय धातु लगाया है जो बारूद के संपर्क में आते ही धड़ाम। हे भगवान, हमें जल्द से जल्द वीरेंद्र को यह खबर भेजनी होगी। वाह क्रूर सिंह जी, हमें यकीन हो गया कि वीरेंद्र सिंह इस बार बच नहीं पाएगा। आपकी बुद्धिमानी पर हमें नाज है। शुक्रिया। चलिए, अब हमें इत्मीनान तो है कि वीरेंद्र सिंह बिल्कुल नहीं बच सकता, तो हम चलें। चलते हैं। आइएगा जरूर दोबारा राजकुमारी जी। वल्लाह अहमद, इस कमबख्त नाजिम ने क्या काम किया हमारे लिए। हुजूर, इस नामुराद ने ऐसा क्या कर दिया?
रत्न गर्भा बनकर कबख्त, ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई, क्या प्यार की बातें समझाई हमारे लिए राजकुमारी जी को, किसी से में उतर आई वो। हुजूर, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। हुजूर, वो आपको मूर्ख बना के चली गई। कैसे? सारे राज उगलवा दिए हुजूर। सो तो है, राज तो सारे उगलवा दिए। कमबख्त, ये दिल हर बार दगा दे जाता है। हुजूर, दिल दगा दे गया वो तो ठीक है, पर बारूद भी दगा दे गया। हाँ, वीरेन सिंह मरा नहीं है, जिंदा है। स्वामी आंखें खोली, स्वामी स्वामी उठिए ना, स्वामी आंखें खोली। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक था, तुम्हारे विष का ताप हमारा शरीर झेल नहीं पाया और अब बेहोश हो गए। आप आराम करें, आपको विश्राम की सख्त जरूरत है, आप अभी भी कमजोर हैं। हमारे अंदर नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम किसी को नहीं जो ये देख रही हो तुम हमें, अब कोई भी हमें। युवराज शिवदत्त, ये श्यामला आपके कक्ष में क्या कर रही है? श्यामला, क्या तुम महाराज मारीच को दिया हुआ अपना वचन भूल गई? कैसा वचन? ये तुम्हारा और युवराज शिवदत्त का अब कोई नाता नहीं होगा। यहाँ चुनारगढ़ में तुम्हारा आना तक वर्जित है। श्यामला, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? अपनी औकात मत भूल, मदरे। सेवक है, सेवक की हैसियत में रह, स्वामी बनने की चेष्टा मत कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से सवाल पूछने की? इससे पहले कि मैं अपना आपा खोदूं, चले जा यहां से। तुम इसकी बातों का विश्वास मत करना, ये बड़ा ही धूर्त अय्यार है। ये सिर्फ मारीच का आदेश मानता है, और मारीच हमारा कौन है मैंने बताया था ना, याद है मारीच हमारा कौन है? हमारा दुश्मन। ये क्या बकवास कर रहे हो जगन्नाथ? श्यामला उसके साथ थी? जी हाँ महाराज, बद्री ने दी सूचना के अनुसार श्यामला शिवदत्त के साथ ही थी, और यदि बद्री की सूचना सत्य है तो मुझे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है महाराज। अवश्य अवश्य कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। चिंता मत करो जगन्नाथ, शिवदत्त कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक वो तिलिस्म हासिल नहीं कर लेता मैं, तब तक मैं वीरेंद्र का बाल भी पाका नहीं होने दूंगा। चिंता का विषय यही है महाराज, मुझे आशंका है कि शिवदत्त आप ही को अपने मार्ग का अवरोध समझता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको ही पथ से हटाने का षड्यंत्र रच रहा? खामोश! महाराज महाराज, मैं आपका सेवक हूं, आपके हित के विषय में ही सोचूंगा। पर आप जिसे अपना पुत्र समझते हैं, क्या उसमें वो पितृ भक्ति है जो वीरेंद्र में थी? नहीं महाराज, मुझे आशंका है, मुझे संदेह है। शिवदत्त की फितरत है धोखा, और वो धोखा किसी के साथ भी कर सकता है, आपके साथ भी। साबित करो जगन्नाथ कि तुम सत्य बोल रहे हो।
साबित करो। हुजूर, ये देखिए। बहुत ही शातिर है ये वीरेंद्र सिंह। इस कमबख्त को शायद पता चल गया कि घोड़े की नाल में हमने चुंबकीय धातु लगाया है। बात खूब, दुश्मन बुद्धिमान हो तो शिकार करने में और भी मजा आता है कमबख्त। देखिए महाराज, ये सत्य अपनी आंखों से देख लीजिए। महाराज, मारीश ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे वीरेंद्र को मारने से रोक दिया? पर तिलिस्म का राज तो मुझ पर उजागर किया। यदि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं तिलिस्म और उसकी शक्तियों को एक कल्पना मात्र समझता रहता। धन्य भाग मेरे जो मुझे महाराज मारीच मिले हैं। धन्य भाग। मेरे लहू के रंग पर शक नहीं करना जगन्नाथ, कभी नहीं। मेरा लहू जब भी पुकारेगा तो आवाज मेरे पुत्र शिवदत्त की आएगी। आइंदा मेरे पुत्र शिवदत्त का नाम लेने से पहले आप हजार बार सोचेंगे जगन्नाथ। किंतु महाराज, मैं तो केवल इसकी सच्चाई से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा था। मारीच को यह आभास भी नहीं कि अमर होने का मंत्र मुझे बताकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तिलिस्म की शक्तियां पाकर अमर अब वो नहीं, अमर मैं होऊंगा। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसी की आंखों के सामने कितना बड़ा खेल रख दिया है मैंने। मारे ये संदेश जल्द से जल्द वीरेंद्र तक पहुंचा देना। निशाना अभी भी पक्का है हमारा राजकुमारी जी। हमारे दिल के जज्बातों के साथ खेलकर हमारे सारे राज आपने निकाल दिए। एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी, जो आपने कहा था कि आपका वो कमबख्त, क्या नाम है उसका, वीरेंद्र सिंह बहुत ही चतुर है। हम मान गए, सच में बहुत चतुर है। घोड़े की नाल की जगह वो जान गया हमने चुंबकीय धातु लगाया हुआ है। वाह, बहुत ही बड़ा शातिर है। हमने कहा था ना क्रूर सिंह, तुम वीरेंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, हम वीरेंद्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे? यह भी चुनौती आपकी हम स्वीकार करते हैं राजकुमारी। देखते हैं कि वीरेंद्र यहां तक पहुंचता है कि उसकी लाश राजकुमारी जी
अभी तो उसने सिर्फ हमारे एक जाल को तोड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने तो उसके आगे पीछे जाल ही जाल बिछा रखे हैं। हमारे बारूद के जाल से तो कमबख्त बाहर निकल आया, लेकिन हमारे सतरंगी माया जाल से बाहर कैसे निकलेगा? वो हम भी तो देखें उस कमबख्त को। ये क्या? अभी तो वहां दूर विजयगढ़ दिख रहा था, अब कैसी अजीब सी जगह है। विजयगढ़ का रास्ता ऐसा तो नहीं था। ये क्या था? सब मायावी, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमारा रास्ता छोड़ो। अरे योद्धा हो, युद्ध करो हमसे और रास्ता ले लो।